Good morning. Welcome back. My today's topic is contribution of thinkers in French Revolution. हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से मिडिल क्लास इमर्ज हुआ है ना, और इमर्ज होने के साथ साथ मिडिल क्लास के लोगों ने अपने बच्चों को एजुकेशन देना चालू किया, और एजुकेशन से क्या हुआ, जो पूरा थीम था वही चेंज होने लग गया। एजुकेशन से लोगों को ये समझ में आने लग गया कि कोई भी राइट जो है वो बाय बर्थ नहीं हो सकता है ना, इक्वालिटी होनी चाहिए, लॉ सबके लिए इक्वल होने चाहिए, ये चीजें लोगों को समझ में आने लग गई। अब क्या हुआ, कुछ जो फिलोसोफर्स थे या राइटर्स थे उन्होंने बुक में अपने विचारों को लिखना चालू किया जो कि काफी फेमस हुए, और उसका क्या इफेक्ट हुआ आज अपन वो देखते हैं, यानी उन थिंकर्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया, कौन सी थियरी लिखी वो आज अपन सब देख रहे हैं। थियरी ऑफ थिंकर्स, फर्स्ट चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, ही वॉज अ लॉयर एंड अ जज, ही पॉपुलराइज्ड द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड द ज्यूडिशियरी इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब क्या हुआ, चार्ल्स ने क्या किया, एक बुक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब इसके अंदर क्या किया, उन्होंने लोगों को और ये एक थीम रखी लोगों के सामने कि सारी जो पावर है वो किंग के हाथ में नहीं हो सकती, हमें क्या करना चाहिए, किंग की पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि लुई 16 है, सारा पावर उनके हाथ में था, कितनी बार तो उन्होंने असेंबली तक नहीं होने दी है ना, तो ये पावर जो है किंग के हाथ के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए तीन पार्ट में, पहला द लेजिस्लेटिव, दूसरा द एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा द जुडिशरी है ना। अब एक्चुअल क्या है इसको समझना है, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें ना हम, तो हमारा सिस्टम भी इन तीन चीजों पे चलता है, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल ये थीम जो है तीनों की जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चल रही है उसको किसने प्रेजेंट किया था, चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू ने। ओके, लेजिस्लेटिव में आपने सुना होगा लोकसभा राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव की बात करें मतलब कार्य करने वाले मेंबर्स जैसे कि पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह, और जुडिशियरी मतलब हाईएस्ट लेवल पे नेशन के अपने हैं सुप्रीम कोर्ट है ना। अब क्या होता है, गवर्नमेंट किसी की भी आए, चाहे भाजपा की आए चाहे कांग्रेस की आए, ये तीन ऑर्गन्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को बांध के रखते हैं। आपने अगर लोकसभा और राज्यसभा का कभी डिबेट देखा हो ना, मजा आ जाता है, क्या बहस होती है, यहाँ तक कि लोग बेंचेस पर चढ़ जाते हैं है ना। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन ले है ना, और अगर वो गलत एक्शन भी लेती है तो उसको जवाब देना पड़ता है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, कि आपके द्वारा लिए गए इस बोल सकते ऑर्डर की वजह से या स्टेप की वजह से देश में ये नुकसान हुआ है, तो इसको तुरंत बंद किया जाए है ना। लोग यहाँ पर वोट करते हैं whether it is good or not, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती जब तक यहाँ पर बिल पास नहीं होगा। सेकेंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, कार्य करने वाले लोग, मान लीजिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कोई भी काम देता है तो पीएम और उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उसको बहुत अच्छे से काम करते हैं, मतलब सारा पावर सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, सब एग्जीक्यूटिव टीम करके देती है और फिर फाइनलाइज प्रेसिडेंट करते हैं और साइन करते हैं, तो पावर हट गया। जुडिशियरी, अगर गवर्नमेंट, चलिए लोकसभा ने बिल भी पास कर दिया ठीक है, एग्जीक्यूटिव तो अपना काम कर ही रहे हैं तभी बिल पास किया गया है ना, बट वो जो स्टेप है देश के अंदर जाने के बाद उसका रिवर्स इफेक्ट आ गया है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी मतलब न्यायतंत्र है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा राइट है कि वो गवर्नमेंट को भी फटकार लगा सकती है कि आपके इस डिसीजन की वजह से इतने लोगों को नुकसान हुआ है एंड यू हैव टू टेक अनदर एक्शन। तो ये क्या होता है, जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो
गवर्नमेंट है वो इन ऑर्गन्स के साथ ही चलेगी, वो अपना खुद का एक डिसीजन नहीं ले सकती। तो ये चीज यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू कह रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, जो पावर है जो सिर्फ लुई 16 के या किंग जो भी फ्रांस का होगा उसके हाथ में ना देकर ऐसी सिस्टम को बनाना चाहिए जो कि पूरी तरीके से पावर को क्या करे, सेपरेट करे। सो हियर इट इज रिटन सेपरेशन ऑफ पावर्स। चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू मतलब आपको याद रखना है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द ज्यूडिशरी एंड हिज बुक्स नेम द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्लियर। सेकेंड, जीन जैक्यूज रसाव, वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर और फिलोसोफर, इन हिज फेमस बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट he proved that the government was the result of a social contract between the people and the ruler. अब क्या हुआ, रसाव ने क्या किया, एक बुक लिखी जो कि काफी फेमस हुई जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब पता है नाम कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में कहीं ना कहीं लिंक दे देता है कि रसाव का मानना ये था कि जो भी गवर्नमेंट आती है किसी भी देश में, कोई भी गवर्नमेंट आए, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब बाय बर्थ राजा का बेटा राजा बन रहा है या लीडर बन रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जनता और राजा के बीच में कि अगर राजा ने सही काम नहीं किया तो जनता को पूरा अधिकार है कि वो स्ट्राइक करके या कोई एक्शन लेके उसको निकाल दे और दूसरे राजा को या लीडर को बना ले, अपना ले। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे अपने यहाँ पर है ना 5 साल के बाद वापस वोट होता है ना, तो ये क्या है, जनता और जो गवर्नमेंट बनने वाली उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एरिया। क्लियर। थर्ड, जॉन लॉके, इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ही सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। हुआ ये था, जॉन लॉके ने क्या किया, एक बुक लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें इन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट और जो जनता होती है इसके बीच में एक लाइक डिवाइन होना चाहिए। मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि मैंने अगर नॉबिलिटी फैमिली के अंदर बर्थ लिया है तो मुझे पूरा अधिकार मिल गया कि मैं सारे राइट एंजॉय करूंगी, सारे प्रिविलेज एंजॉय करूंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही लोगों को क्या मिलना चाहिए, प्रिविलेज मिलना चाहिए, साथ ही साथ में एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क कि अगर मैंने राज परिवार में जन्म लिया है तो चाहे मैं कैपेबल हूं या नहीं हूं, मुझे पूरा राइट है कि मैं अगला किंग बनूंगी या मैं अगली क्वीन बनूंगी, तो ये पूरी तरीके से गलत हो, है ना। तो ऐसे में इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और साथ ही साथ में एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि ये सिर्फ एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ बर्थ आपको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। तो आज हमने तीन जो फिलोसोफर्स है उनके बारे में डिस्कस किया, चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, बुक का नाम क्या है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, फिर जीन जैक्यू रसा, बुक का नाम क्या है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड जॉन लोके, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, बुक का नाम। अब क्या हुआ, लिख तो दिया, अब ये बुक क्या हुई, आपस में बहुत फेमस होने लगते। अब फेमस हुई तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को मिला, चलिए देखते हैं। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इन सैलून एंड कॉफी हाउसेस विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। हुआ ये कि ये जो आइडियाज थे ना, ये लोगों को समझ में आने लग गए जब उन्होंने डिस्कस करना चालू किया, बुक से पढ़ना चालू किया, न्यूज़पेपर में पढ़ना चालू किया, तो उनको ये आइडिया समझ में आने लगे कि बिल्कुल सही है। आज अगर मैं किसी फार्मर के घर में पैदा हुई हूँ तो मैं सिर्फ फार्मिंग के लिए ही हूँ और मुझे सिर्फ टैक्सेस ही देने, तो ये काहे का अधिकार है ना, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए राजा का कि अगर तुमने मुझसे ज्यादा परेशान किया तो मुझे पूरा राइट है कि मैं तुमको हटा दूं, नया लीडर लेकर आता हूं। तो ये सारी चीजें क्या हुई, लोगों को समझ में आने लगे, लोग इसको डिस्कस करने लगे, इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस में लोग उसको डिस्कस करने लग गए। ठीक है, इट वॉज फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन द ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। अब क्या हुआ कि आपने सुना है वो कभी भी
पुराने सीरियल या कोई कार्टून आता है जैसे छोटा भीम और ये सब, तो उसमें है ना एक ढोल बजाता हुआ एक आदमी सुनो 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 गांव वालों सुनो ऐसे बोलता हुआ नजर आता है ना, सेम उसी तरीके से है ना लोगों ने क्या किया, इनके विचारों को इनके थॉट्स को इनके आइडियाज को अलाउड मतलब जोर जोर से ग्रुप के अंदर बोलना चालू किया कि जिन लोगों को न्यूज़पेपर या बुक्स नहीं जिनके पास अवेलेबल है या जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो भी इस इन चीजों को समझे, तो ग्रुप के अंदर लाउडली उसको पढ़ा जाने लग गया और उसका फायदा ये हुआ कि आम इंसान जो था वो ये समझने लग गया था कि टैक्स प्रिविलेजेस और क्यों ये चीजें सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है। ये सारे जो आइडियाज आए वो आइडियाज थिंकर्स को भी मिले जब अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो थी वो फ्रीडम उनको मिला था ब्रिटेन से। आई रिपीट, जब अमेरिका की 13 कॉलोनीज को है ना ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिला, यानी ब्रिटेन उन पे राज करते थे और जब वहां से ब्रिटेन चले गए है ना ब्रिटिश लोग चले गए तो अमेरिका की 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हुई थी, तो वहां पर जो सिस्टम चलाया गया वो जो सिस्टम था उससे इंस्पायर हुए कुछ राइटर्स कुछ थिंकर्स और उन्होंने फिर ये थियोरीज को क्या किया आगे बढ़ाया फ्रांस में तक लाया ताकि लोग जाके हाँ। और इसके ऊपर एक बनता है एक क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, राइट द थियोरीज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई रिपीट, राइट द थियोरीज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द थिंकर्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको ये ही आंसर लिखना है ठीक है। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, तो पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता, थैंक यू सो मच।